In a bid to provide prompt aid to trees with medical conditions, the Municipal Corporation of Delhi has introduced tree ambulances in the national capital. Launched in late March by the erstwhile East Delhi Municipal Corporation, it covers areas coming under East Delhi. A similar system was initiated in the South Delhi region as well by the erstwhile South Delhi Municipal Corporation. The East Delhi Municipal Corporation has launched tree ambulances in areas that come under East Delhi to treat diseased trees. The service was launched in late March and will be operational for the next 5 years. The tree ambulances are expected to respond to calls received from the concerned citizens through their helpline number and mobile apps and to reach to the spot to provide aid to the withering trees. The staff of the tree ambulance is trained to perform surgeries on the sick trees and revive the dying ones. This comes as a great relief in the severe heat condition that has been prevailing in the northern India. ये करीबन 3.5 महीने पहले शुरू हुई थी। सादरा साउथ में एक एम्बुलेंस है, सादरा नॉर्थ में भी एक एम्बुलेंस है, तो दोनों जोनों में एक एक एम्बुलेंस है। ये सादरा साउथ एक सेक्शन ऑफिसर के अंदर 7 से 9 वार्ड तक होते हैं। उनको अपने नीचे के जो सुपरवाइजर होते हैं, माली होते हैं, उनको सही से देखना कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारे पास एक ऐप है हमारे कमिश्नर साहब का 311 है, तो उस पर जैसे ही कंप्लेंट आती है तो हम उस कंप्लेंट के पास पहुंच जाते, तो उसको 101% सोल्व करने की कोशिश करते। कॉल को अटेंड करने में करीबन 35 से 40 मिनट लग जाती है। अच्छा। फिर एक कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं, फिर इसको ब्रश से फिर साफ करते हैं, उसके बाद फिर दवाई छिड़का की जाती है कीटनाशक, जिससे कि जो भी दीमक वगैरह होती है वो नष्ट हो जाए। The horticulture team looks after all the parks that come under their designated area, but at the same time they are ready to respond to any emergency calls, whether it is about a termite infestation or stress in trees due to lack of water. चक्कर ये कि उसमें दीमक की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर तरह-तरह के रोग भी लग जाते हैं उस पेड़ पे। उसके लिए भी हमारे पास मशीन रखी हुई है छिड़काव करने के लिए, तो छिड़काव करने के बाद वो उसकी रोग का समाधान हो जाता है। और सूखे पेड़ों की भी परेशानियाँ के लिए कॉल्स आती है या खुद अटेंड करते हैं? हाँ, वो सूखे पेड़ों की भी कॉल आती है या लिखित में ऑफिस में पत्र आते हैं, तो उसका भी समाधान किया जाता है कि उसको जितनी भी संख्या होती है सादर साउथ के अंदर सूखे पेड़ों की, एक लिस्ट बना के और फॉरेस्ट को भेज दी जाती है, और फॉरेस्ट हमें उन पेड़ों को काटने के लिए परमिशन देती है। अच्छा। उसके बाद कटते हैं। चक्कर ये है कि लोगों को ग्रीनरी से बड़ा प्यार है, इसलिए जहाँ भी वो जिसको भी जानकारी है टीवी के माध्यम से कि भाई EDMC के अंदर 2 एम्बुलेंस आ गई है, तो वही कॉल कर देता है। The heat wave that has been sweeping Delhi last month has intensely affected the city's trees. Extreme high temperatures are a cause of great concern since they can cause injury or even death in trees. The issue becomes more serious in face of the water crisis in the national capital that is worsening every day. गर्मी में जो ज़्यादा temperature होता है उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो पानी की कॉल ज़्यादा आती है कि जबकि हमारे पास बजट की व्यवस्था नहीं है, हमारे पानी के टैंकर भी बहुत कम हैं, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा एरिया कवर करें। पानी की कमी की परेशानी ये है कि हमारा जो प्लांट है वो कोंडली के अंदर है, जो नाले का पानी होता है उस नाले के पानी को शुद्ध करके, तो उस पानी को हमें दिया जाता है पार्कों के लिए टैंकर में, और वो टैंकरों के द्वारा हम अपने पार्कों में लगाते। जो हमारी ट्वेले थी 2 साल पहले NGT ने ऑर्डर निकाले थे, जो हमारे प्लांट है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में सादरा साउथ जोन सादरा नॉर्थ जोन, तो सभी ट्वेले बंद कर दी थी, और कोई भी जबरदस्ती करता है चलाता है मिलता है तो उस पर 5 लाख का जुर्माना भी है, SDM करता है। प्रॉब्लम तो किसी भी पेड़ में कोई भी रोग लग सकता है,
ये तो कुदरत अधीन बात होती है। तो ज़्यादातर जो रोग लगते हैं वो खुश्की में लगते हैं, पानी की कमी की वजह से लगते हैं। जैसे आलू हुआ जो सफ़ेद सफ़ेद से हो जाता है, वो भी पानी की खुश्की में लगता है। सफ़ेद कीड़ा भी होता है जो पूरे पेड़ों पे लग जाता है। The most fascinating aspect of the tree ambulance initiative is how the team members are trained to perform surgeries on trees on the spot. So whenever a call comes, they are ready with their surgical instruments to operate on trees. From making incisions to dressing wounds, they are equipped to do anything. इस पेड़ में दीमक लग चुका था, इतना दीमक लग चुका था ये पूरा खोखला हो चुका था। तो आज हमने इसका ऑपरेशन किया है। तो सर्वप्रथम पहले हमने इस पेड़ की सफाई की जाली से, जाली का ब्रश होता है एक, उससे अच्छी तरह हमने सफाई की। सफाई करने के बाद हमने इसमें कीटनाशक दवाई लगाई अच्छी तरह, पूरे चारों तरफ धुलाई करके कीटनाशक दवाई लगाई। दवाई लगाने के बाद हमने लगाया थर्माकोल, थर्माकोल के बाद हमने लगाई जाली, मुर्गा जाली, तो जो उसे सेट कर लेता है। और ये जो हमने पीओपी डाली उसमें फिक्स हो जाता है। तो मुर्गा जाली लगाने के बाद हमने पीओपी लगाई, पीओपी लगाने के बाद इसमें हमने वाइट सीमेंट लगाया जिससे पीओपी पानी में घुल जाती है, लेकिन वाइट सीमेंट पानी में नहीं घुलता। तो इसके इसलिए हमने इस पर वाइट सीमेंट लगाया और रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिए। ब्रांचेस काटे थे जो नीचे लटके हुए थे ना, जो आते जाते लोगों के जैसे लटक जाते, तो ब्रांचेस काटे थे जिससे किसी को समस्या ना हो। और इसलिए नीचे जो सफाई करी थी सबसे पहले, हाँ मैम, नीचे सफाई इसलिए करी क्योंकि यहाँ भी मैम कॉकरेज, दीमक, ये भी कारण होता है कि यहाँ से भी आ सकते हैं दूसरे पेड़ों से। मैम वो पेड़ के ऊपर देखा जाता है, किसी में एक घंटा लग जाता है, किसी में डेढ़ घंटा। ये नीचे था इसलिए इसमें थोड़ा कम समय लगा, थोड़ा हाइट पर होता है तो उससे क्रेन से उसमें समय ज़्यादा लगता है। मैम ज़्यादा से ज़्यादा तीन लोग करते हैं हम, जैसे कोई घोल बना रहा है, कोई जाली काट रहा है, कोई जाली फिक्स, कोई पेड़ की सफाई कर रहा है, कोई स्प्रे मार रहा है, ऐसे तीन जने मिलके ग्रुप में मिलजुला के अपने बारी बारी काम करते हैं। मैम माली का तो काम है पेड़ बचाएंगे, जब ही तो मैम गर्मी कम होएगी, तो हमारा मकसद है पेड़ बचाने का। इसलिए हम पेड़ अपने जो जितना भी हमें गर्मी सब भूल भाल के हम पेड़ बचाने में लगे हुए हैं। पेड़ बचेंगे तो इससे इन्वायरमेंट में नमी आएगी, लोगों को थोड़ा वातावरण सही मिलेगा। पेड़ को उगाना और पेड़ को बचाना, पेड़ की देखभाल करना माली का काम है। सिंस द थ्री म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली वर फॉर्मली मर्ज इनटू अ यूनिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द डिवीजन इन द फॉर्म्स ऑफ ईडीएमसी, एनडीएमसी एंड एसडीएमसी डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। नाउ विद द सेंट्रलाइज्ड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फॉर द एंटायर दिल्ली, द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग ट्री एम्बुलेंसेस टू अदर रीजन्स ऑफ द सिटी विल बी ईजियर। एंड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिस इनिशिएटिव इज गेटिंग फ्रॉम द सिटीजंस, इट वुड बी अ वेलकम चेंज। कुछ दिन पहले हम लोगों ने कंप्लेन करी थी, ऋषि खेरा जी हैं यहाँ पे, उन्होंने करी थी। तो एक नर्सरी पार्क है हम लोग का, वहाँ पे एक पेड़ को ट्री एम्बुलेंस ने ट्रीट किया था, नाउ इट्स डूइंग फाइन। तो उसको देख के हम लोग को और इनकरेजमेंट मिला कि शायद हम दोबारा और बाकी पेड़ों का अगर प्लाइट हाईलाइट करेंगे तो एक्शन होगा। एंड आई वॉज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज दैट विद इन हाफ एन आवर व्हेन अग्रवाल अंकल कॉल्ड अप दीज पीपल रिस्पॉन्डेड। थोड़ी छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम्स थी कि जैसे पेड़ है एक हमारा स्पेसिफिक पार्क है, वहाँ पे सारा वो एक्चुअली नहीं वाटरिंग हो पा रही थी तो वो सूख रहे हैं। सो ही वाज काइंड एनफ टू अकंपनी अस, देखा उन्होंने, टैंकर विद इन 15 मिनट्स केम हियर, घुस नहीं पाया, वो अलग प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द लेंस, पर हाँ उसका सोल्यूशन उन्होंने बोला है निकालने के लिए। तो आई एम एक्चुअली रियली रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पीली सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी एक्शन हो पाया। दिस इज सुकृति वत्स फॉर द प्रिंट।